तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 1 बजे तक 37.89% वोटिंग हुई। पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने वोट डाले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में वोटिंग के दौरान हिंसक झड़प, टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें, मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पीटा। 2002 गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से गैंग रेप पीड़ित बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, सरकारी नौकरी और घर देने का आदेश दिया। मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी और बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में काले झंडे दिखाए गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी कार्यकर्ताओं पर एसडीएम ऑफिस में घुसकर हमला किया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बीजेपी में शामिल, कहा देश को मोदी जैसे लोगों की जरूरत, मैं काम करके दिखाऊंगा। पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। चौकीदार चोर है कैंपेन में अदालत को घसीटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण केस में साजिश का दावा करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 24 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। और श्रीलंका में बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हुई, मरने वालों में 10 भारतीय भी शामिल, देश में इमरजेंसी लागू।